अलवर प्रतापगढ़ लाइव न्यूज नाउ रिपोर्टर योगानंद बटवाल। पिछले 3 दिनों से महाराणा प्रताप खेल मैदान में 3 फरवरी से 5 फरवरी तक बीएम एकेडमी प्रतापगढ़ द्वारा आयोजित स्पोर्ट्स इवेंट का रविवार को समापन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि संयुक्त सचिव पंचायती राज के सुंडाराम, राष्ट्रीय सचिव रेशमी देवी, अलवर उप जिला प्रमुख ललिता मीणा, थानागाजी प्रधान जयप्रकाश प्रजापत, प्रतापगढ़ सरपंच कप्तान सिंह, भूतपुर सरपंच माधो सिंह भडाणा आदि अतिथिगण मौजूद रहे तथा प्रतियोगिताओं में जीत हासिल की। सभी बच्चों को सम्मानित किया। प्रथम विजेता को गोल्ड मेडल, द्वितीय विजेता को सिल्वर मेडल और तृतीय विजेता को ब्रॉन्ज मेडल से नवाजा गया। सभी अतिथिगणों ने हमारे जीवन में खेल का कितना महत्व है यह सभी बताया और सभी बच्चों की सराहना की, उनका मनोबल बढ़ाया, बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की कामना की। प्रथम विजेता शिवाजी हाउस रहा। वह शिवाजी हाउस को ट्रॉफी के साथ सम्मानित किया गया के विजय भगत सिंह हाउस ने की और तृतीय महाराणा प्रताप हाउस रहा। इन दोनों हाउस को भी मेडल से उपहारों से नवाजा गया। बीएम एकेडमी निदेशक विष्णु प्रताप सिंह राजौत ने खेल की सराहना की, वह महत्व को समझाया। इस खेल से बच्चों ने आगे बढ़ने का प्रण लिया और बच्चों को साहस दिया व मनोबल बढ़ाया। उन्होंने बताया कि खेल हमारे जीवन में कितना जरूरी है और आश्वासन दिया कि आने वाले समय में हम ऐसी ही प्रतियोगिताएं और इससे भी बेहतर करेंगे, बच्चों को आगे बढ़ाएंगे और उनका भविष्य उज्जवल बनाएंगे। अतः उनका प्रयास इस क्षेत्र से ऐसे भावी विजेता बच्चे जो भारत के लिए, देश के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, उनको सामने लाने व उनके छिपे हुए हुनर से उन्हें रूबरू करवाने का है।